हेलो गाइस, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम सिंपल एक वीडियो प्लेयर कैसे बना सकते हैं इन रिएक्ट जेएस। सो वी विल बी क्रिएटिंग अ सिंपल वीडियो प्लेयर। सो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं विद इनपुट टाइप। तो सबसे पहले हम एक इनपुट लेंगे, इनपुट टाइप एज अ फाइल। सो इनपुट टाइप विल बी फाइल। सो इसको हम सेल्फ क्लोजिंग बना लेते हैं। सो हमने एक, अब यहाँ से हम कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी वीडियो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो हमारे पास सेलेक्ट हो के आने लगी। सो करना क्या है, इस वीडियो को हमें अपने स्टेट में सेव करना है। तो उसके लिए हम एक स्टेट बना लेते हैं। तो ये फंक्शनल कंपोनेंट है, तो इसमें हम यूज स्टेट का यूज करके स्टेट क्रिएट करेंगे वीडियो के लिए। तो यूज स्टेट और इसको इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। यूज स्टेट के पास दो चीजें होंगी, एक तो वीडियो कॉमा सेट वीडियो। सो यूज स्टेट क्या रिटर्न करेगा, एक वीडियो और दूसरा उस वीडियो को चेंज करने के लिए एक फंक्शन। सो इनिशियली हम इसको नल रखेंगे, कुछ कोई वीडियो सेलेक्ट नहीं करेंगे। सो जैसे ही हम कोई वीडियो सेलेक्ट करेंगे उसको हमें इसमें सेव करना है। सो इनिशियली तो ये नल है, तो इसको अगर चेंज करना है तो हमको इसका मेथड यूज करना होगा जो कि है सेट वीडियो। तो यानी जैसे ही हम इनपुट में कुछ चेंज करेंगे एक फंक्शन कॉल होगा, हैंडल चेंज, और ये फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल चेंज। सो हैंडल चेंज के पास एक इवेंट होगा। सो इस इवेंट को सबसे पहले हम कंसोल कर लेते हैं और देखते हैं इस इवेंट में हमारे पास क्या आ रहा है। क्लियर करते हैं, कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं और इवेंट में देखते हैं। सो इवेंट में हमारे पास ये सब चीजें आ रही हैं। तो इसमें से हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टारगेट चाहिए। तो इवेंट में से हम टारगेट को event.target.files पर समय चाहिए, जो फाइल सेलेक्ट हुई थी वो फाइल समय चाहिए। सो जैसे मैंने एक फाइल सेलेक्ट की वो कंसोल रही। सो यहाँ पे मेरे पास एक पूरी फाइल लिस्ट आ रही है। सो उस फाइल लिस्ट में यहाँ से हम मल्टीपल फाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी हम सिर्फ एक फाइल सेलेक्ट वाला बना रहे हैं, तो हम जो पहली फाइल होगी उसी को ले लेंगे, यानी हम बस फर्स्ट फाइल को एक्सेस करेंगे। इस बार हम इसको रन करते हैं, फाइल सेलेक्ट की, पहली फाइल जो भी हमने सेलेक्ट किया था वो फाइल यहाँ पे हमारे पास आ गई। फाइल का नेम आ गया, उसका साइज आ गया, उसका टाइप आ गया video/mp4। सो इसमें हमने एक फाइल सेलेक्ट की और वो हमारे स्टेट में सेव हो गई। अब हमें करना क्या है, अब हमें उसको स्टेट में सेट करना है। अभी तक स्टेट में नहीं सेट हुई, जैसे हमने सिर्फ हैंडल चेंज पे देखा कि वो किस इवेंट के कौन से की में जाके वो वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसको हम जो हम कंसोल कर रहे थे सेम चीज हम स्टेट में सेट कर देंगे। सो अब वो स्टेट में सेट होने लगेगी। तो हमको फाइल नहीं सेव करनी होती हमें, क्योंकि हमें उसको रन भी करना है, तो हम उसको URL में कन्वर्ट कर लेंगे। सो URL.createObjectURL। सो ये जो फाइल हमने सेलेक्ट की थी event.target.files में से पहली फाइल जो ली थी उसको इसको हम पास कर देंगे। सो अब हमारे पास एक प्ले करने लायक एक वीडियो आ चुकी है। तो उसको प्ले करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनपुट के नीचे एक बना लेंगे आई फ्रेम और उसका SRC रखेंगे। तो इनिशियली इसको रखेंगे हम विड के इक्वल, इसके इक्वल। सो इनिशियली ये आई फ्रेम के अंदर कुछ नहीं है, नल है। सो जैसे ही हम कोई फाइल सेलेक्ट करेंगे
तो वो इसके अंदर आ जाएगी। सो एक आई फ्रेम हमने लिया सिंपल, और उसका एसआरजी हमने कर दिया इस वीडियो के इक्वल। सो इनिशियली ये नल रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं कुछ चेंज करूंगा इनपुट में, यानी इनपुट सेलेक्ट करूंगा, वैसे ही इवेंट होगा। एक इवेंट के पास होगा टारगेट, और उसके अंदर हमारी फाइल्स होंगी जो भी हमने सेलेक्ट की थी। तो उसमें से मैं पहली फाइल, जो फाइल लिस्ट में पहली फाइल थी, वो फाइल मैंने उठाई, उसको यूआरएल में कन्वर्ट किया और उसको सेव कर दिया मेरे स्टेट में। और जैसे स्टेट में सेव हुआ, वो यहाँ से स्टेट चेंज हुई, और स्टेट जैसे चेंज हुई तो ये आई फ्रेम में रन होने लगी। सो इस टाइप से हम वीडियो लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम कोई भी वीडियो ये आगे मूव भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं, इसमें ऑडियो सारी चीज़ें। तो इसमें ये इनबिल्ट होती है चीज़ें, यहाँ से हम इसकी प्लेबैक स्पीड, पिक्चर इन पिक्चर मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें इनबिल्ट होती हैं वीडियो में, जब हम वीडियो प्ले करते हैं। अगर हम दूसरी वीडियो भी प्ले कर सकते हैं कोई, सो इस टाइप से हम इसकी लेंथ वेथ ये सब चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं आई फ्रेम की। तो इस टाइप से हम एक वीडियो प्लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके आसपास हम बाकी चीज़ें तो सिंपली डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो बेसिक मेन चीज़ थी, वीडियो प्लेयर कैसे करेंगे, सेलेक्ट करना और उसको रन करना, ये चीज़ थी इसमें मेन। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।